आज मेरे पास एक बेहद खूबसूरत गैजेट है जिस पर पहली नजर में ही प्यार हो जाना तय है। पेश है एंड्रॉइड इकोसिस्टम का सबसे खूबसूरत, सबसे पावरफुल, सबसे एफिशिएंट टैबलेट कंप्यूटर सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 Plus, नेवी ब्लू कलर वाला। S7 को हाथ में लेकर देखिए और दिल से जो है ना सिर्फ एक ही आवाज आती है कि आई वॉन्ट दिस। और अगर आपको ये खूबसूरत गैजेट किसी भी एंगल से खूबसूरत नहीं लगता है तो भैया आपको अपने चश्मे का नंबर चेंज कराने की जरूरत है। बाय गॉड, दिखने में बेहद खूबसूरत, बेहद प्रीमियम लगता है। सैमसंग ने इसे एक सॉलिड मेटल ब्लॉक को तराश तराश कर बनाया है जिससे ये ना सिर्फ बहुत ज़्यादा दिखने में स्टाइलिश, प्रीमियम और खूबसूरत लगता है बल्कि रफ एंड टफ भी हो गया है। और ब्रश्ड मेटल की मैट फिनिश दी गई है और फ्लैट डिज़ाइन है एकदम, मतलब दिल लुटिया टाइप चीज़ है। गैलेक्सी टैब S7 की ही तरह है, गैलेक्सी टैब S7 प्लस में ये कैमरा मॉड्यूल के बाजू में ये अलग से एक मैग्नेटिक स्ट्रिप दी गई है जिसमें जो S पेन है, जो नया डिज़ाइन किया हुआ S पेन है, वो ऑटोमेटिकली इसमें अटैच हो जाता है, चिपक जाता है मैग्नेट की मदद से। तो ना सिर्फ चिपकता है बल्कि यहीं से चार्ज भी होता रहता है वायरलेसली। इसके साथ ही इसमें दोनों तरफ आपको यहाँ पे ये वायरलेस स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। अब इन स्टीरियो स्पीकर्स की मदद से आप चाहे गेमिंग करें, कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करें या फिर इसके ऊपर बिंज वॉचिंग करें, जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी सराउंड साउंड टाइप आपको मिलता है एंटरटेनमेंट वाइज, तो वो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। टैब S7 प्लस में 12.4 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है जो काफ़ी ब्राइट है और इस पर रंग तो मतलब एकदम मस्त दिखते हैं। 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है तो गेमिंग एक्सपीरियंस भी एकदम कड़क मिलता है। व्यूइंग एंगल्स बढ़िया हैं और अगर आप बिंज वॉचिंग करना पसंद करते हैं तो इसकी स्क्रीन टोटल पैसा वसूल है। डिजाइनर और आर्टिस्ट के लिए टैब S7 प्लस की स्क्रीन S पेन के कॉम्बिनेशन के साथ तो मतलब किलर डील है। इसके ऊपर स्केचिंग, पेंटिंग, डिजिटल आर्ट्स बनाने में बहुत कुछ एक्सप्लोर किया जा सकता है। आई थिंक इट्स अ मस्ट बाय फॉर डिजिटल आर्ट डिजाइनर एंड आर्टिस्ट, मतलब इसके ऊपर मजा आ जाएगा। जरा सा भी लैग नहीं है, जरा सा भी स्लो डाउन नहीं है, मतलब एकदम मक्खन परफॉर्मेंस आपको टैब S7 प्लस में देखने को मिलती है। और अगर बैटरी की बात करूं तो इसके अंदर 10,000 मिली एम्पियर आर की बैटरी दी गई है जो 1.5 दिन से ज्यादा चल जाती है। बस हाँ, ये जरूर है कि चार्ज होने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगाती है लेकिन चलती खूब है इसकी बैटरी। 10,000 मिली एम्पियर आर की इसके अंदर बैटरी दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या गैलेक्सी टैब S7 प्लस खरीदने लायक है? बिल्कुल है, अगर आप एंड्रॉयड इकोसिस्टम में बहुत डीप घुसे हुए हैं, मतलब आपके घर का एक एक गैजेट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलता है, तो गैलेक्सी टैब S7 प्लस आपके लिए एक ऑब्वियस चॉइस है अगर आप टैबलेट भी खरीदना चाहते हैं जो आपके कई काम में आए। लेकिन अगर आप एक ऐसे गैजेट की तलाश में हैं, एक ऐसे टैबलेट कंप्यूटर की तलाश में हैं जो आपके लैपटॉप को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दे, तो आई एम सॉरी, ये अभी भी, ये क्या, इनफैक्ट अभी कोई भी टैबलेट कंप्यूटर, फिर चाहे वो एप्पल का आईपैड प्रो ही क्यों ना हो, अभी तक कोई भी ऐसा टैबलेट कंप्यूटर किसी भी कंपनी ने नहीं बनाया है जो आपके लैपटॉप को पूरी तरीके से रिप्लेस कर सके। अदरवाइज एक टैबलेट के तौर पर एंड्रॉयड इकोसिस्टम में इससे बेस्ट टैबलेट कंप्यूटर आपको मतलब चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एंड्रॉयड इकोसिस्टम में दिस इज द बेस्ट। तो बस रिव्यू खत्म, पैसा हजम। और अब जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो प्लीज, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ये बाजू वाला वीडियो जरूर